हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम देसी मुर्गी का पालन बहुत ही कम खर्च में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी मुझे कमेंट करते हैं कि सर, हमारे पास पैसा नहीं है, जगह नहीं है, तो हम किस तरह से फार्मिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं सारी समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं कड़कनाथ के मुर्गे और मुर्गियां, और साथ में कुछ देसी मुर्गियां भी घूम रही हैं, तो इनको खर्च के नाम पे कोई भी पैसा लगाना नहीं पड़ता है। घर का बचा हुआ जो भी चावल वगैरह है या किचन का जो भी वेस्ट है, उसको ये खिला करके इस मुर्गी को पाले हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो यहाँ अभी हमें ज़्यादा मुर्गी देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ ही मुर्गे मुर्गियाँ हैं, 7-8 से कुछ ज़्यादा होंगी, 10 या 15 के आसपास होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन दोस्तों, इनको कोई भी दाना पानी का खर्च नहीं लगता है। जो भी पेड़ पौधे के नीचे में पत्तियाँ गिरी हुई हैं या जो किचन का वेस्टेज है, उनको ये खिला करके पाल रहे हैं। और साइज आप देख सकते हैं कि कैसे इनका साइज भी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि इनको घर में पाले हैं तो वजन कम आएगा। और ये अंडा देने के लिए ये इसको बनाए हुए हैं, ये बाथरूम है और यहीं पे मुर्गियाँ अंडा देती हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं मुर्गियाँ किस तरह से इधर उधर घूम रही हैं, आगे भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पीछे वाला जो साइड है पूरा पेड़ पौधा से भरा हुआ है, तो उसके पत्तियाँ खा करके और कीड़ा मकोड़ा खा करके ये बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कोई भी खर्च इनको नहीं आता है, बस इनमें इन्वेस्ट के नाम पर बस छोटा चूजा ला करके ये पाले हुए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हम भी घर में मुर्गियां पाल करके अपना जो जीवन यापन, यानी कि 2-4 पैसा घर के लिए निकाल सकते हैं। इन्होंने घर के छत पे ही देखिए आप किस तरह से मटका को बांध दिया है, और यहीं पे कबूतर का भी पालन इन्होंने किया हुआ है। इसमें कबूतर आते हैं और अंडा देते हैं, बच्चा देते हैं, और यहीं से इनका जो कबूतर है उसका भी प्रोडक्शन चालू रहता है। तो दोस्तों, इस क्लिप को दिखाने का मेन मकसद ये था कि हमें मुर्गी पालन के लिए सेट की ज़रूरत नहीं है, हम बैकयार्ड में या आंगन में भी छोटा मोटा जगह बना करके मुर्गी पालन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें पैसा कमा करके मुर्गियां देंगी, सेट हमें पैसा कमा करके नहीं देगा। बस नमी ना आए ऐसा जगह मुर्गियों के लिए आप बना दीजिए, और उसमें आप चूजा डाल दीजिए, और उनका देख रेख अच्छा से कीजिए, बायो सिक्योरिटी का अच्छा से पालन कीजिए, साफ सफाई का भरपूर ध्यान रखिए, तभी आप इस काम में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये एक एटीएम की तरह है। अगर आपने 100 या 150 मुर्गी पाला हुआ है, तो आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, 2-3 आप सेल करके उससे पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, कम खर्च में मुर्गी पालन करने के लिए आपको फीड में बचत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको 10 से 15 दिन तक ही मात्र छोटे चूजों को रेडीमेड फीड देना है। उसके बाद घर का बना हुआ फीड, किचन वेस्ट या तो फिर होटल का वेस्ट या हरी भाजियां भी दे करके मुर्गी को पालना है, ताकि आपका कॉस्टिंग कम आए और मुनाफा आपको ज़्यादा हो। दोस्तों, घर में किस तरह से फीड बनाया जाता है अगर आपको नहीं आता, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, किस तरह से फीड बनाया जाता है, आप देख करके सीख सकते हैं। साथियों, आज के समय में कोई किसान साथी देसी मुर्गी का पालन किया हुआ है और उसके पास अगर फ्री रेंज के लिए जगह है, तो उससे अच्छा चीज़ कोई दूसरा नहीं हो सकता। उस फ्री रेंज वाले एरिया में आप कहीं पर मोरिंगा का पौधा लगा दीजिए, कहीं पे आप हरी भाजी वाला सब्जी लगा दीजिए, कहीं पे ऐसे ही घास उगा हुआ है तो कहीं पे बरसिंग का घास लगा दीजिए, उतना मुर्गियों के लिए काफ़ी होता है। लगभग आपका 70% दाना का बचत उससे हो जाएगा। मात्र शाम के समय में आपको दाना देना है, यानी कि उसके जो आप जब 2 या 3 महीने मुर्गी को पाले हुए हैं, तो 70% वो बाहर से दाना चरेगी और 30% आपको रेडीमेड फीड देना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं, तो हमारे मुर्गियाँ हरी चारा चरती हैं और उस हरी चारा से मुर्गियों को पतला दस्त भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको मेट्रोनिडाजोल टेबलेट रखना है, 400 mg का एक टेबलेट आपको 100 मुर्गी को देना है, अगर मान लिया जाए मुर्गियों को पतला दस्त हो जाता है तो।
दोस्तों, अंडे से चूजा निकालने के लिए आप खुद से इंक्यूबेटर बनाएं। यूट्यूब में आपको कई ऐसे इंजीनियर टेक्नीशियन मिल जाएंगे जो कि इंक्यूबेटर बना करके आपको दिखाते हैं। 100 अंडा का बना सकते हैं, 500 का बना सकते हैं, 1000 का भी आप बना सकते हैं। बस आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पहली बार अगर आप यूट्यूब देख करके इंक्यूबेटर बना रहे हैं, तो पहले में 100 अंडे का ही बनाएं, उससे ज़्यादा का कोशिश न करें। जब वो 100 अंडा वाला इंक्यूबेटर सक्सेस हो जाता है, तो उसके बाद आप 500, 1000 या जितने भी आप चाहते हैं उसको बना सकते हैं। दोस्तों, कम खर्चे में मुर्गी पालन के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो है बीमारी से मुर्गियों को बचाना। यानी कि आप अगर जितना भी कम खर्चे में मुर्गी पालन कर रहे हैं, मान लिया जाए आपने 100 मुर्गी पाला हुआ है, एकदम कम खर्चे में आपका काम चल रहा है, और अचानक से उनको कुछ बीमारी आ गया और आपका 50, 60 या 70 मुर्गी मर गया, तो आपका खर्च बढ़ गया। समझ लीजिए 20 मुर्गी से आप 100 मुर्गी को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुर्गियों को बीमारी से ज़रूर बचाएं। इसके लिए आप सेट की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, साथ में टेट्रासाइक्लिन या लिक्सन पाउडर जो कि एक एंटीबायोटिक है उसको ज़रूर रखें। दोस्तों, मुर्गी के वज़न बढ़ाने के लिए आप ऑस्टोवेट, विमराल इस तरह के दवाओं को ज़रूर रखें। साथियों, जो मैं आप लोगों को दवा बता रहा हूँ उनका यूज कैसे करना है उसके बारे में हमारे चैनल पे वीडियो है, और अगर आप उन दवाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक दिन से लेकर 50 से 60 दिन तक किस तरह से मुर्गी पालन करना है, कौन कौन सा दवा कितनी मात्रा में लगता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा सीरीज में अच्छी तरह से बताया गया है। तो दोस्तों, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में खर्च में बचत करने के लिए हमें देसी दवाओं यानी कि जो घरेलू उपचार है उसका भी उपयोग करना चाहिए। हमें बीच बीच में मुर्गियों को अदरक का जो घोल होता है उसको देना चाहिए, उससे मुर्गियों को सर्दी नहीं होता है। इसके अलावा कभी कभी उनको लहसुन का पेस्ट पानी में घोल करके देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से कई प्रकार के देसी और घरेलू उपचार भी उपलब्ध हैं, उनका उपयोग हमें करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से जुड़ी हुई वीडियो हम लाते रहते हैं, और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।